ya me vuelvo a agarrar. ¡A ver, Ruk! हेलो गाइस, मैं हूं अमित। गाइस, आप लोगों ने कहा कि साइकिल को छोटी बनाओ, हमने छोटी बनाई। आपने कहा कि इसको बड़ा बनाओ, तो हमने इतनी बड़ी बना दी जो कि 12 फीट की आपको बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन अब आप लोग कह रहे हो कि इसको और लंबा बनाओ, तो हम जो है इसको और लंबा बनाएंगे। कितना करेंगे? अभी 12 फीट है, डबल से भी ज़्यादा कर देंगे। लगभग जो है इसकी लेंथ जो है वो 24 प्लस ही होगी, यानी कि 28-29 फीट के आसपास हो जाएगी। लास्ट में ही पता लगेगा, तो फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आपको मजा आया तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पर है हमारी लंबी वाली साइकिल। इसका जो एक्सटेंडेड फ्रेम है वो है बीच में, और हम जो है इसको और एक्सटेंड करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि इसको आगे से एक्सटेंड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये वेल्डिंग है और यहाँ पर ये बोल्ट है, तो इनको खोलते हैं सबसे पहले। साइकिल की फ्रेम को एक्सटेंड करने के लिए हम यूज करेंगे इस तरीके के 1 इंच बाय 2 इंच लोहे के काफी हैवी वाले पाइप का, जिसका जो वेट है बहुत ज्यादा है और मैं इजीली इससे शोल्डर मार सकता हूँ। एक जो पाइप है ये लगभग 11 किलो के आसपास में है। तो अब जो है दोनों पाइप्स को जोड़ते हैं इसमें और फिर इनको सपोर्ट देते हैं। तरीके के टुकड़ों की जरूरत होगी हमें यहाँ पर सपोर्ट बनाने के लिए, ताकि ये हिले नहीं। और भी टुकड़े चाहिए होंगे, और ये जो पीसेस है ना भाई, इसके अंदर इस तरीके से फिट आ जाएंगे। तो भाई साइकिल यहाँ पर हो गई है तैयार। आप लोग देखो कितना बड़ा साइज हो गया, और अब बारी है इसके ऊपर पेंट करने की, जो कि मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। तो भाई यहाँ पर है हमारी साइकिल, ऐसे तो एकदम नॉर्मल लगती है, लेकिन जब मैं कैमरा को कुछ यहाँ पर रोटेट करूंगा तो आप लोग देखिए ये क्या साइकिल की रेलगाड़ी बन गई। यहाँ पर आप लोग देखिए कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी ज्यादा हो गई है। चलते रहो पूरी नहीं हो रही है, यहाँ पर आकर साइकिल खत्म हुई है। पीछे की तरफ से भी आप लोग देखो, मतलब क्या दिख रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है ना। देखो एक बार पूरा एक फ्रेम में मैं आपको दिखाऊं। टोटल इसकी जो लेंथ है वो लगभग 27 फीट के आसपास में है, और एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बीच में बन गई है। भाई हमने जो है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सीट लगाई है आगे वाले बंदे के लिए, और पीछे भी है, लेकिन पैडल जो है वो सिर्फ पीछे वाले को देना पड़ेगा। तो अब इस साइकिल को चला कर दिखाते हैं। लेकिन भाई साहब आप देखो कि इसकी जो लंबाई है ना, पीछे वाले को कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ से बैठ के कुछ ऐसा दिखेगा, अगला टायर बहुत दूर दिखेगा, बहुत दूर। तो भाई यहाँ पर मेरे पास में दो ऑप्शन है, आगे बैठने का और पीछे बैठने का, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा आगे बैठने से, क्योंकि सारा कंट्रोल तो वहीं से होता है। आई डोंट नो कि ये कितना मेरे से संभल पाएगी या नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी है, और जब इतनी लेंथ होती है ना तो एक्चुअली में इसको घुमाना भी मुश्किल होता है। स्टैंड पे से तो हटा दी, ब्रेक एक ही है सिर्फ आगे का, पीछे का ब्रेक काम नहीं करता इसका। पैडल तो देना ही नहीं है, धीरे धीरे चलाना, धक्का मारना थोड़ा थोड़ा। अरे यार किधर भागती है ये, सीधी नहीं चल रही भाई, मैं तो सीट पे ही नहीं बैठ। अरे यार चल तो भाई, यार बैठ गया मैं इस पे, इधर उधर जरूर चलती है लेकिन चल गई। ओ शिट, अरे यार ओ तेरी गई। यार फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए कुछ बेकार नहीं है यार इतना चलना।
पहली बार में इतना चलना ठीक है। चलो 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 चलो, ऊपर बैठने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि भगना जाए इधर उधर। यार एक बात तो है, इसको चलाना मुश्किल है, लेकिन जब मैं इसको पहली बार में ही चला सकता हूँ जान से। चलो 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 चलो, अरे ठीक है टेंशन ना ले। ओ भाई यार इस बार तो काफी दूर चल गई थी, यार चल रही है, और थोड़ा आदत हो जाएगी तो बढ़िया चलेगी ना। ओ ठीक है चलो, अब आदत हो रही है भाई, धीरे धीरे चलने में। अभी दो चार घंटे प्रैक्टिस करने के बाद में तो फर्राटा चलेगी एकदम, ये भागते दौड़ते। देखो हैंडल जो है ना, हैंडल बहुत ज्यादा टाइट है, घूम नहीं पाया, खड़ी करो यार। चलो 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 करो ट्राई एक बार, देखो चलती है नहीं चलती। अरे यार चल गई। अरे अरे भाई इतना आसान नहीं है इसको चलाना, धक्का दो ना अच्छे से। अबे क्या कर रहे हैं, अबे वो कहाँ भाग रहा है, अबे लेके कहाँ भाग, अबे नहीं चली तो लेके थोड़ी भागेगा भाई, अबे हमें और भगा रहे, अबे रुक। और भाई एक और बात इस साइकिल के अंदर खास ये है कि इसकी जो पेंट स्कीम है ना वो हमने बहुत अलग तरीके से करी है। देखो इधर से देखो और फिर इधर से देखो। देखो कितना डिफरेंस है, इधर ब्लैक एंड रेड है, इधर ग्रीन एंड ब्लू है, एंड व्हाइट बीच में दोनों में है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चल गई ना। चलो यार बहुत बढ़िया, चलने दो चलने दो, ऐसे तो चल जाती है थोड़ी, देखो प्रैक्टिस के बाद में एकदम नॉर्मल चल रही है। सही सही बहुत बढ़िया, चल गई भाई साइकिल के लिए तो मानना पड़ेगा, आप खुद ही देख लो इतना तेज हम लोग भाग रहे हैं अभी, आपको पता हो ना। तो आज तो भाई मेरी पूरी जॉगिंग हो गई यहीं पर ही। हो यार मजा आ गया अभी तो ना, सही है। देखो ऐसे ही मैं भाग रहा था अभी। सही है यार, अब अच्छा बैलेंस बन रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही इस तरीके की। देखो एकदम मजा आ रहा है, बस हमको भागना पड़ रहा है यार। अरे बैठा लो यार मुझे भी, और मैं बैठ रहा हूँ यार, बैठ जाऊं, ओ बैठ जाऊं क्या, तेरी बैठ गया भाई। अरे यार तो भाई कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो साइकिल है ना थोड़ा सा टाइम मांगती है, लेकिन एक बार जब आप सीख जाओ उसके बाद में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। साथ ही साथ में जो साइकिल है वो थोड़ी ज्यादा ही लंबी है, इस वजह से थोड़ा सा इसमें इस तरीके से आप देखो ये हिलती है पूरी, तो वो एक दिक्कत क्रिएट करता है। लेकिन अगर इसका फ्रेम थोड़ा और मजबूत हो, जैसे कि ये एक सीधा ना होकर के चौकोर हो ना, समझ रहे हो आप, तो ये शायद ज्यादा अच्छे से चल पाएगी। लेकिन फिर भी इसको चलाने में हमें आया काफी मजा, अगर आपको आया है मजा वीडियो देखने में और हमारी मेहनत में, तो एक लाइक करना भाई बिल्कुल मत भूलना, लाइक करके जाना। और भी अगर आपको मजेदार वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार। और इस साइकिल का हम लेते हैं थोड़ा सा और मजा।